नमस्कार दोस्तों, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम मेथड द्वारा। सो बच्चों, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम मेथड क्या है? अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है ए टू बी, सो हमारे पास क्या फार्मूला है इसके लिए? हम लिमिट एच अप्रोच टू जीरो लिखेंगे, एच इंटू फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन डैश 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बच्चों, ये फार्मूला है हमारे पास किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का यूजिंग इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। यहाँ पे बच्चों एन एच निकालते हैं हम। एन एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी माइनस ए। सो बच्चों, इस फार्मूले का हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। दूसरा, कुछ और फार्मूला जो हमने प्लस वन में सीखे थे तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका इस एक्सरसाइज में यूज होगा। इन फार्मूलों को आप सभी ने ध्यान रखना है बच्चों। फर्स्ट फार्मूला है, अगर हमें नेचुरल नंबर का सम करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन टर्म तक का, तो फार्मूला है हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। इन सभी के सम का फार्मूला, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन माइनस वन टर्म। नंबर दो, अगर हमें स्केयर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर करना है, सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन माइनस वन टर्म, सो वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर प्लस एन माइनस वन का स्केयर, तो इसका फार्मूला है बच्चों हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। अगर क्यूब का सम करना, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब प्लस एन माइनस वन क्यूब, तो फार्मूला हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू सारे का होल स्केयर। इसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर जीपी में है, जीपी में सम ऑफ एन माइनस वन टर्म का, बच्चों जीपी में हम सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या करते हैं, ए इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। सपोज मेरे पास टर्म्स जीपी में हैं तो उनका फार्मूला क्या है बच्चों सम करने का, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, फार्मूला है बच्चों ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसके अलावा बच्चों आपको जो पता होना चाहिए, अगर लिमिट एच अप्रोच टू जीरो है, e की पावर एच माइनस वन अपॉन एच वन के इक्वल होता है। नंबर छः, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो है, e की पावर एच माइनस वन अपॉन एच इज इक्वल टू लॉग ए होता है। सो बच्चों इस फार्मूलो इन इस सो बच्चों इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन छह फार्मूलों का आना जरूरी है। अगर आपको ये छह फार्मूले आते हैं तो एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज में तो सारी में हम ये फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का। सो इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमने इंटीग्रेशन करना है वन टू टू, एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन, बी की वैल्यू कितनी है, टू, और एन एच कैसे निकलता है बच्चों, बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी टू माइनस वन, एन एच आ गया हमारे पास वन। बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का फार्मूला क्या है, अगर वन टू टू एक्स डी एक्स हमारे पास फंक्शन है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए एच इंटू एच बाहर रखेंगे
एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ए कितना बच्चों वन, प्लस यहाँ पे है ना एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए लोअर लिमिट होती है बच्चों, सो एफ ऑफ वन लिखेंगे। इसके बाद एफ ऑफ वन प्लस एच, एफ ऑफ वन प्लस टू एच प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में बच्चों हम निकालेंगे प्लस एफ ऑफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सो बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच इंटू एफ ऑफ वन, यानी फंक्शन क्या है मेरे पास एक्स, एक्स में एक्स या वन रखेंगे, ये एफ एक्स है बच्चों मेरे पास, एफ एक्स इजिकल टू एक्स है, सो एफ एक्स में एक्स या एक्स रखें वन रखें तो एफ वन आएगा, एफ वन आएगा मेरे पास वन, यानी यहाँ पे वन रखें तो वन, तो फिर वन प्लस एच रखें तो आएगा वन प्लस एच, फिर वन प्लस टू एच रखें तो वन प्लस टू एच, फिर वन प्लस थ्री एच रखें तो वन प्लस थ्री एच, प्लस लास्ट में आएगा बच्चों वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखना है तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखिए बच्चों वन कितनी बार है, अगर मैं वन को काउंट करूँ, फर्स्ट स्टेप में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ है और लास्ट स्टेप है, तो वन कितनी बार है बच्चों मेरे पास, एक बार, दो बार, तीन बार, एन बार है बच्चों। सो सबको ऐड करता हूँ मैं, सभी वन को, सभी वन को ऐड करें तो वन कितनी बार हो गया बच्चों, एन बार, यानी वन एन बार है तो वन एन हो गया, सभी वन है मैंने काउंट कर ले। देखिए बच्चों अगर वन को मुझे दो बार ऐड करना है वन प्लस वन, तो दो वन हो जाएंगे, टू इंटू वन यानी दो आ जाएगा, वन को तीन बार ऐड करें अगर तो थ्री वन हो जाएंगे, थ्री इंटू वन यानी थ्री आ जाएगा, अब वन को एन बार ऐड करना तो वन एन हो जाएगा बच्चों, प्लस जो एच वाले हैं उनमें से एच कॉमन लें, एच वालों में से एच कॉमन लिया तो यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन, ये बच गया बच्चों हमारे पास। इसके बाद लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच इंटू एन प्लस एच, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन टर्म का फार्मूला क्या बच्चों, ये देखिए मैंने आपको फार्मूला याद करने के लिए बोला था, फर्स्ट फार्मूला वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन टर्म तक के सम का फार्मूला, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो हम यहाँ पे सम ऑफ एन माइनस वन टर्म का फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। सो बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच को अंदर मल्टीप्लाई करो एन एच, एच को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एन एच स्केयर हो गया बच्चों, एन एच एक एच तो यहाँ पे रखा एन एच, और ये जो एच है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया एन एच माइनस एच अपॉन टू। अब बच्चों देखिए एन एच की वैल्यू क्या है वन, तो एन एच की जगह वन रखो और एच की वैल्यू जीरो रखो, तो एन एच की जगह वन रखे तो ये वन है, वन प्लस ये वन इंटू वन माइनस जीरो अपॉन टू, तो ये आया बच्चों हमारे पास वन प्लस वन बाय टू, वन प्लस वन बाय टू मीन्स थ्री बाय टू, सो आंसर आया बच्चों हमारे पास थ्री बाय टू। तो इस फार्मूले से हम सभी सम्स को करेंगे। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको करवाता हूँ इसका फोर्थ पार्ट, करवाता हूँ बच्चों फोर्थ पार्ट, अब मैं इसको इस वे से करेंगे हम, फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। फोर्थ पार्ट क्या बच्चों, इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है वन से थ्री टू एक्स प्लस वन। बच्चों बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको स्टेप्स सीखने हैं, इस एक्सरसाइज के स्टेप्स क्या हैं वो आपने सीखने हैं। यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास वन है, बी की वैल्यू थ्री है और एच की वैल्यू है, एन एच की वैल्यू आएगी बी माइनस ए यानी थ्री माइनस वन टू। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों वन से थ्री टू एक्स प्लस वन, सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, फार्मूला रखेंगे हम एच इंटू एफ ऑफ ए, फार्मूले में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ वन, फिर आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच वन प्लस एच, फिर आएगा एफ ऑफ वन प्लस टू एच, फिर एफ ऑफ वन प्लस थ्री एच, फिर लास्ट में आएगा बच्चों एफ ऑफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सो यहाँ पे एफ ऑफ वन निकाल रखें, एफ ऑफ वन मीन्स फंक्शन, ये फंक्शन है इसमें एक्स की वन रखें तो
तो ये आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे वन रखोगे जब आप तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो ऐसे कैसे, यहाँ पे एच इंटू एफ ऑफ वन, यहाँ पे वन रखो टू इंटू वन प्लस वन प्लस, फिर यहाँ पे वन प्लस एच रखो इसमें तो टू इंटू वन प्लस एच प्लस वन, फिर वन प्लस टू एच रखो बच्चों टू इंटू वन प्लस टू एच प्लस वन, फिर वन प्लस थ्री एच रखो बच्चों प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री एच प्लस वन, प्लस लास्ट में वन प्लस एन माइनस वन रखेंगे सो प्लस टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सो बच्चों देखिए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू, अब ये टू प्लस वन प्लस टू प्लस टू एच प्लस वन, यहाँ पे देखिए बच्चों फिर यहाँ पे टू प्लस फोर एच प्लस वन, यहाँ पे टू प्लस सिक्स एच प्लस वन, प्लस लास्ट में टू प्लस टू एन माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे बच्चों एन माइनस वन इंटू एच रखा प्लस वन, प्लस वन ने लिखा तो प्लस वन। अब देखिए बच्चों सबसे पहला आपको जो मेन चीज है जो यहाँ पे नोट करनी है, तो फर्स्ट स्टेप था ये यहाँ पे, सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ है, फोर्थ ये है और लास्ट वाला ये, यानी टू से स्टार्ट होता है और वन पे एंड है। तो फर्स्ट स्टेप में जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिनके साथ एच नहीं है उनको ऐड करो, सिर्फ उनको ऐड करना बच्चों, ध्यान रखना आपने, कभी आप इस तरह से ऐड करने लग जाओ टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव, ऐसे कभी भी नहीं होगा आपसे। आपने सिर्फ स्टेप फर्स्ट स्टेप देखना है, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने बिना एच वाले काउंट करो टू प्लस वन थ्री, अब सेकंड स्टेप में टू प्लस वन थ्री प्लस एच वाले टू एच, इसी तरह से थ्री प्लस फोर एच, फिर आगे थ्री प्लस सिक्स एच, प्लस लास्ट में आएगा बच्चों हमारे पास थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एच। अब बच्चों हमारे पास थ्री कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार एन बार थ्री है, सो हमने सभी थ्री को ऐड किया तो वो कितना आया एच इंटू थ्री एन बार आ गया, प्लस टू एच वालों में से सभी टू एच फोर एच सिक्स एच सब में से टू एच कॉमन, अंदर बच जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे वन, यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, और लास्ट में बच्चों हमारे पास बचेगा टू बी और एच बी कॉमन लिया तो एन माइनस वन। सो बच्चों यहाँ पे लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू थ्री एन प्लस टू एच, अब वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन टर्म का फार्मूला है हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो दो से दो कैंसिल बच्चों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच को अंदर मल्टीप्लाई करो तो थ्री एन एच, एच को यहाँ मल्टीप्लाई एच स्केयर हो गया, एक एच यहीं रखा और एक अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एन एच ऐसे कैसे, और जो एच यहां से आए तो अंदर मल्टीप्लाई होगा एन एच माइनस एच। सो बच्चों यहाँ पे एन एच की वैल्यू हम रखेंगे टू, ये देखिए एन एच की जगह टू रखेंगे और एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन वन ऑफ वन से थ्री टू एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये एन एच की वैल्यू कितनी रखनी है टू, तो थ्री इंटू टू प्लस टू, यहाँ पे टू रखा इंटू टू माइनस एच की वैल्यू जीरो तो थ्री इंटू टू सिक्स प्लस फोर इट इज टेन। सो हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों टेन। अब बच्चों इसके बाद सेकंड का फोर्थ पार्ट करवाता हूँ मैं, सेकंड के फोर्थ के बाद मैं आपको थर्ड का फोर्थ पार्ट करवाऊंगा, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मुश्किल नहीं लगेगा, तो आपने इसमें ध्यान देना है कि स्टेप्स क्या क्या हैं इसके। सो सेकंड का फोर्थ है बच्चों हमारे पास दो से चार लिमिट है हमारे पास और इंटीग्रेशन करना थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, बच्चों यहाँ पे जीरो से फोर है, जीरो से हमारे पास दो है लिमिट बच्चों, लिमिट है जीरो से दो तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर का इंटीग्रेशन करना है तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है जीरो,
b की वैल्यू 2 और nh कितना आएगा बच्चों 2 माइनस 0, तो nh आया हमारे पास 2 माइनस 0 आया 2। अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, 0 से 2 3x स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों हम लोग, लिमिट h अप्रोच टू 0 फार्मूला यही है, h इंटू f ऑफ a, f ऑफ a, a मीन्स 0, फिर करना हमने f ऑफ a प्लस h यानी 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना आएगा बच्चों 0 प्लस h आएगा हमारे पास h, फिर हम लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h मीन्स 2h, फिर f ऑफ 0 प्लस 3h यानी 3h, लास्ट में बच्चों f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यानी 0 में ऐड करें n माइनस 1 इंटू h तो n माइनस 1 इंटू h ही बचेगा हमारे पास। अब बच्चों देखिए f ऑफ 0 लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन में 0 रखें तो 0 रखें x यहां तो ये आएगा h इंटू 0 रखें तो 0 प्लस 4 4 बचा, और फिर h रखें बच्चों तो 3h स्क्वायर प्लस 4, फिर 2h रखें बच्चों तो 3 इंटू 2h का स्क्वायर प्लस 4, फिर 3h रखें बच्चों 3 इंटू 3h का स्क्वायर प्लस 4, प्लस लास्ट में बच्चों n माइनस 1 इंटू h रखें प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h इसका स्क्वायर प्लस 4। बच्चों देखिए यहां पे लिमिट h अप्रोच टू 0, अब आपने इसके स्टेप्स देखने हैं बच्चों, h इंटू ये 4 एज इट इज, ये 3h स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, यहां पे जब इसको खोलेंगे तो ये इसको किस तरह से खोलना बच्चों, 3 2h का स्क्वायर है तो 2h के स्क्वायर को बच्चों ध्यान रखना है 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर बोलना है हमने, ये 4h स्क्वायर नहीं बोलना आपने, यही सिर्फ इसमें ध्यान देने की बात है, यही ध्यान देने की चीज है बच्चों, इसमें ध्यान से आपने करना इसको, तो 3 और यहां पे 3h का स्क्वायर है तो इसको लिखना है 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे लास्ट में बच्चों प्लस 3 इंटू ये n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ ये है, और लास्ट ये है, सभी स्टेप्स में बिना h वाले काउंट करो, सभी स्टेप्स में अगर बिना h वाले काउंट करें हम लोग तो यहाँ पे कितने होते हैं बिना h वाले, 1 4 2 4 3 4 और कितनी बार है 4 बच्चों, एक बार दो बार तीन बार चार बार n बार है तो 4 हो गया हमारा n बार 4n, सभी 4 काउंट कर ले। अब जो h वाले हैं बच्चों, एच वालों में से सभी में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी, सो सभी एच वालों में से 3 कॉमन ले लिया और एक एच स्केयर भी सबसे कॉमन है तो 3h स्केयर सबसे कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 और यहाँ पे 2 का स्केयर और यहाँ पे 3 का स्केयर बच गया बच्चों, और लास्ट में बच गया हमारे पास एन माइनस 1 का स्केयर, और बच्चों 1 को मैं 1 का स्केयर बोल सकता हूँ, और मैंने आपको सम ऑफ स्केयर ऑफ एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का फार्मूला बताया बच्चों स्टार्टिंग में, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू 4n प्लस 3h स्केयर, तो इसका फार्मूला क्या बच्चों, एन इंटू एन माइनस 1 टू एन माइनस 1 अपॉन 6। यहां से बच्चों देखिए लिमिट एच अप्रोच टू 0 h को अंदर मल्टीप्लाई करो 4nh, h को यहाँ मल्टी, h की क्यूब हो जाएगा बच्चों, h की क्यूब है ना जो ये, h की क्यूब होगा यहाँ पे, h को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक h यहाँ मल्टीप्लाई करो nh, एक h को यहाँ मल्टीप्लाई करो nh माइनस h, और एक h ये यहाँ मल्टीप्लाई करो जो यहाँ से आया, h की क्यूब होगा बच्चों, एक h यहाँ मल्टीप्लाई, एक h इसके साथ, एक बार h इसके साथ, तो 2nh माइनस h अपॉन 6, तो 3 2 जा 6। अब एन एच की वैल्यू रखने बच्चों हमने 2 और एच की वैल्यू रखेंगे 0, सो एन एच की वैल्यू 2 रखें, 4 इंटू 2 प्लस एन एच की वैल्यू जगह 2 इंटू 2 माइनस एच की वैल्यू 0 रखो 0, जब पुट करेंगे तो बच्चों ये लिमिट नहीं लिखनी आपने, सो 2 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 2, सो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, सो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 4 8 और 8 कितना हो गया बच्चों ये 16,
सो आंसर आया हमारे पास 16। अब बच्चों इसके बाद हम थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 से 3 2x² + 3x + 5 इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों हमने। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, a 1 है b 3 है, और nh कितना है बच्चों यहां पे 3 - 1 यानी 2। सो इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। फार्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एच इंटू एफ ऑफ ए कितना बच्चों 1, फिर एफ ऑफ 1 + h, फिर एफ ऑफ 1 + 2h, फिर एफ ऑफ 1 + 3h, फिर लास्ट में बच्चों हमारे पास आएगा +++ एफ ऑफ 1 + n - 1 * h। इसके बाद बच्चों यहाँ पे h की 1 पुट करेंगे एफ ऑफ 1, यानी x की 1 पुट करें, सो यहाँ आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 पुट करो बच्चों यहाँ पे h इंटू 2 * 1² + 3 * 1 + 5। ये फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों। सेकंड स्टेप में 1 + h पुट करो यहाँ पे 2 * 1 + h² + 3 * 1 + h + 5, और 1 + 2h रखो बच्चों। सो 1 + 2h रखेंगे 2 * 1 + 2h² + 3 * 1 + 2h + 5। इसी तरह से बच्चों लास्ट में जा करके हम 1 + n - 1 * h रखें तो आएगा 2 * 1 + n - 1 * h² + 3 * 1 + n - 1 * h + 5। अब इसको करते हैं बच्चों यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू ये 2 + 3 + 5 प्लस यहाँ पे इसको खोल लो बच्चों 2 a + b² + a² + b² + 2ab 2h प्लस यहाँ +3 + 3h + 5। अब इसी तरह से बच्चों इसको खोलो ये 2 + 2 * a + b² - a² + b² (2² h² + 2ab) कितना आएगा बच्चों 4h। इसको इस तरह से खोलना बच्चों a² + b² + 2ab प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई 3 + 6h + 5 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में बच्चों जब इसको खोलेंगे हम सो ये आएगा 2 as it is, ये a² (1) / b² इसका स्केयर क्या आएगा बच्चों n - 1 / h² + 2ab 2 * n - 1 * h प्लस 3 को अंदर मल्टी 3 + 3n - 1 * h + 5। अब बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करो सारे को, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू 2 + 3 + 5 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें यह आएगा 2 + 2h² + 4h + 3 + 3h + 5। अब 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान रखना आपने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 3 नहीं लिखनी है आपने, 2 की क्यूब नहीं करना बच्चों आपने, इसको लिखना है 2 + 2 * 2² h² जब 2 को अंदर और 2 * 4 = 8h + 3 + 6h + 5 प्लस लास्ट में बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी ऐसे 2 + इसको मल्टीप्लाई करें 2 * n - 1 / h² + 2 * 4 n - 1 * h फिर बच्चों +3 + ये 2 इसके साथ है ना मल्टीप्लाई +3 n - 1 * h + 5।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मेन चीज है स्टेप देखना। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ तक का टू से स्टार्ट है बच्चों, फाइव पे एंड है, टू से स्टार्ट फाइव पे एंड। थर्ड स्टेप टू से स्टार्ट है, फाइव पे एंड है, और लास्ट वाला स्टेप टू से स्टार्ट है और फाइव पे एंड है, यानी ये सारा लास्ट हमारा स्टेप है। अब पहले स्टेप में बिना एच वाले काउंट करो बच्चों, सो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। बिना एच वाले कितने बच्चों हमारे पास पहले स्टेप में, टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन, और यहाँ पे बिना एच वाले टू प्लस थ्री प्लस फाइव, सेकेंड स्टेप में टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन हो गए। अब एच वाले काउंट करो, फोर एच प्लस थ्री एच सेवन एच, अब एच स्केयर वाले टू एच स्केयर। अब इसी तरह से बच्चों थर्ड स्टेप में बिना एच वाले काउंट करो, टेन टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन, और एच एच वाले बच्चों एट एच प्लस सिक्स एच फोर्टीन एच, और बिना एच वाले एच स्केयर वाले बच्चों एच स्केयर वाले टू इंटू टू का स्केयर एच का स्केयर। इसी तरह से बच्चों लास्ट स्टेप में बिना एच वाले काउंट करो, टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन, अब एच एच वाले बच्चों फोर एन माइनस वन एच और थ्री एन माइनस वन एच कितने हो गए बच्चों, सेवन एन माइनस वन इंटू एच। अब एच स्केयर वाले बच्चों टू टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन हो गया, एच वाले काउंट करे थ्री एन माइनस वन और फोर एन माइनस वन सेवन एन माइनस वन इंटू एच। अब इसके बाद एच स्केयर वाला बच्चों एक ही है, तो अब टेन कितनी बार है बच्चों, एक बार दो बार तीन बार एन बार है बच्चों टेन, तो लिखेंगे लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच इंटू टेन कितनी बार है एन बार। अब जो एच वालों में से बच्चों सात एच है, चौदह एच है, सात एन माइनस वन, यानी एच वालों में से सात एच कॉमन, अंदर बच गया यहाँ पे वन प्लस, यहाँ पे बच गया टू प्लस, आगे थ्री आएगा, इसी तरह से लास्ट में सात और एच कॉमन ले लिया, एन माइनस वन बच जाएगा। अब एच स्केयर वालों में से बच्चों प्लस एच स्केयर वालों में से बच्चों हमने एच स्केयर, ये एक है, दो दो एच स्केयर है, ये दो इंटू एच स्केयर है, दो इंटू एच स्केयर है, तो दो इंटू एच स्केयर सबसे कॉमन है, अंदर बच जाएगा बच्चों यहाँ पे ये वन बच गया, यहाँ पे टू का स्केयर बच गया, और यहाँ पे प्लस डैश 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 एन माइनस वन का स्केयर बच गया। इसका मतलब टू का स्केयर, इसको वन को मैं वन का स्केयर, टू का स्केयर ये थ्री का स्केयर आएगा, इसी तरह से चलता जाएगा बच्चों। अब सबके फार्मूले पुट करो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच इंटू टेन एन प्लस सेवन एच, इसका फार्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, इसका फार्मूला क्या है बच्चों, टू इंटू एच स्केयर ऐसे कैसे, इसका फार्मूला है हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, टू थ्री जा सिक्स। अब एच को अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यह आएगा टेन एन एच प्लस एच को यहाँ एच स्केयर हो जाएगा बच्चों, एच स्केयर में एक एच यहीं रखो, सेवन एन एच, और जो यहाँ से आया इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एन एच माइनस एच अपॉन टू प्लस, यहाँ से भी बच्चों एच को जब यहाँ मल्टीप्लाई करें, एच क्यूब में एक एन एच यहीं रखा, एच एक एन एच और एक एच को अंदर मल्टीप्लाई करो, एन एच माइनस एच, और एक एच जो यहाँ से आया तो उसको टू एन एच माइनस एच आगे मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ अपॉन थ्री। अब बच्चों सबकी एन एच की जगह क्या रखना है हमने, दो, और एच की वैल्यू जीरो रखो। सो जब एन एच की जगह दो रखें तो दस इंटू दो प्लस सात इंटू दो, दो माइनस जीरो बटे दो प्लस दो इंटू दो माइनस जीरो, दो इंटू दो माइनस जीरो बटे तीन, तो ये आया बच्चों दस दूनी बीस प्लस सात दूनी चौदह, दो से दो कैंसिल, सात दूनी चौदह प्लस दो दूनी चार सो के सोलह, सोलह बटे तीन। सो ये आंसर आया बच्चों हमारे पास सारे कैल्शियम चौंतीस प्लस सोलह बटे तीन, तो तीन एलसीएम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो चौंतीस या थ्री फोर जा ट्वेल्व और वन जीरो टू प्लस सिक्सटीन, यह आया हमारे पास बच्चों वन एटीन डिवाइड बाय थ्री। तो बच्चों इस तरह से आपने सभी पार्ट्स अपने आप कर लेने हैं। बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना हमने टू से फाइव ई की पावर थ्री एक्स का।
सो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, सो एन एच आएगा हमारे पास 5 माइनस 2, तो एन एच आया 3। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 5 ई की पावर 3x किसके इक्वल आया बच्चों, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस 2h, एफ ऑफ 2 प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन, एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। सो बच्चों लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ 2 इसमें h इंटू x या 2 रखो तो ये आएगा e की पावर 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस h रखो आएगा e की पावर 3 इंटू 2 प्लस h, या x की वैल्यू यहाँ पे e की पावर 3 इंटू 2 प्लस 2h प्लस e की पावर 3 इंटू 2 प्लस 3h प्लस एंड सो लास्ट में आएगा बच्चों e की पावर 3 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। सो ये आया बच्चों हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 एच इंटू ई की पावर 6 प्लस ई की पावर 3 टू जा 6 प्लस 3h प्लस ई की पावर 6 प्लस 6h प्लस ई की पावर 6 प्लस 9h प्लस एंड सो ऑन लास्ट में ई की पावर 6 प्लस 3n माइनस 1 इंटू एच। बच्चों यहां पे लिमिट h अप्रोच टू 0 एच इंटू ई की पावर 6 प्लस, बच्चों ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड है, पावर ऐड है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बेस सेम कर सकते हैं ई की पावर 6 इंटू ई की पावर 3h, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो यही बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे ई की पावर 6 इंटू ई की पावर 6h कह सकता हूँ, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी बच्चों, सेम ऐसे ही रहेगा। ई की पावर 6 इंटू ई की पावर 9h इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं, बेस सेम कर दिया पावर ऐड हो जाएगी। सो ई की पावर 6 इंटू ई की पावर 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। सो यहाँ पे बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू ई की पावर 6 सबसे कॉमन अंदर बच गया 1 प्लस ई की पावर 3h प्लस ई की पावर 6h प्लस ई की पावर 9h प्लस एंड सो ऑन ई की पावर 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए बच्चों ये जीपी में बन गया हमारे पास, जीपी में इसके डिवाइड बाय ये करो ई की पावर 3, इसके डिवाइड बाय इसको करके देखो ई की पावर 3h आएगा, थर्ड फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म ये भी ई की पावर 3h आएगा, तो यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट ई की पावर 3h, थर्ड बाय सेकंड वो भी ई की पावर 3h, इन सब का रेशियो सेम है बच्चों, तो ये जीपी में है। जीपी में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, फर्स्ट टर्म 1 है और आर कॉमन रेशियो कितना है सबका ई की पावर 3h। सो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या बच्चों, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इस फार्मूले से हम सम करेंगे बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू ई की पावर 6 ए, ए कितना बच्चों 1 इंटू आर, आर कितना बच्चों ई की पावर 3h की पावर n, इसकी पावर आर की पावर n है, n करेंगे तो एन एच हो जाएगा, पावर करेंगे बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3nh माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी आर कितना ई की पावर 3h माइनस 1। बच्चों आपको पता है मैंने आपको बताया था ई की पावर h माइनस एच 1 अपॉन एच, जब लिमिट h अप्रोच टू 0 हो तो ये किसके इक्वल होता है 1, अगर 3h हो बटे 3h होना चाहिए तो ये भी 1 हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे ई की पावर 3h माइनस 1 अपॉन 3h होना चाहिए तो ऊपर h है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये देखिए बच्चों ये वाला इतना इतना ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए e की पावर अगर हमारे पास h अपॉन माइनस 1 अपॉन h है, लिमिट h अप्रोच टू 0 है, तो ये किसके कुल होता है 1 के, अगर 3h हो तो नीचे 3h होना चाहिए तो भी ये 1 रहेगा, अगर ये ऊपर हो 3h अपॉन e की पावर 3h माइनस 1 और लिमिट h अप्रोच टू 0 हो तब भी ये किस किसके कुल होता है बच्चों 1 के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मेरे पास
थ्री एच माइनस वन था, ऊपर एच था, मैंने तीन से मल्टीप्लाई, तीन से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा बच्चों वन। और एन एच की वैल्यू कितनी रखो बच्चों, एन एच की वैल्यू तो रखो तीन, तो आंसर आएगा हमारे पास ये तो हो गया वन, और ये ई की पावर सिक्स, और ई की पावर थ्री इंटू एन एच की जगह क्या रख दिया बच्चों हमने, एन एच की जगह रख दिया हमने थ्री, तो ई की पावर थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाय थ्री। सो ये आया बच्चों ई की पावर सिक्स इंटू ई की पावर नाइन, तो ई की पावर फिफ्टीन कह सकते हैं हम, ई की पावर सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, ई की पावर सिक्स इंटू ई की पावर नाइन, और ई की पावर सिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ई की पावर सिक्स अपॉन थ्री, तो ये आया बच्चों ई की पावर पंद्रह माइनस ई की पावर छः बटे तीन, यही आंसर है बच्चों इसका। बच्चों बुक में आपके पास यही आंसर है, सो मैंने थोड़ा आगे सोल्व कर दिया। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, इसके बाद मैं फिफ्थ पार्ट करवाता हूँ, फोर्थ पार्ट में बताता हूँ आपको कैसे होगा। फोर्थ पार्ट में बच्चों, फोर्थ पार्ट है हमारे पास जीरो से फोर एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो बच्चों यहाँ पे हमने इसको दो फंक्शन में बाइफ्रिकेट कर लेना है, यानी इसको हमने इस तरह से करना है बच्चों, जीरो से फोर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, और जीरो से फोर ई की पावर टू एक्स इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आई वन मान करके और इसको आई टू मान करके दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे इसी फार्मूले के द्वारा, तो वो हमारे पास इजीली निकल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखते हैं सेकंड का, हमें दे रखा है टू से फोर टू रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। यहाँ पे ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू फोर है, और एन एच की वैल्यू कितना है, फोर माइनस टू बी माइनस ए टू आ जाएगा बच्चों। सो इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, टू से फोर टू की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, लिमिट आ जाएगी हमारे पास एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ टू, ए की वैल्यू टू, एफ ऑफ ए प्लस एच टू प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री टू एच टू प्लस टू एच, इसी तरह से बच्चों लास्ट में हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बच्चों यहाँ पे लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ टू, फंक्शन में टू रखो तो टू की पावर टू, फिर यहाँ पे टू प्लस एच रखो टू की पावर टू प्लस एच, फिर टू की पावर टू प्लस टू एच प्लस एंड सोन, आगे आएगा टू की पावर टू प्लस थ्री एच प्लस लास्ट में आ जाएगा बच्चों टू की पावर टू प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सो यहाँ आया बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू टू की पावर टू प्लस, इसको बेस सेम पावर ऐड है तो हम इसको बेस सेम कर सकते हैं, टू की पावर टू इंटू टू की पावर एच ऐसे बोल सकते हैं हम। इसी तरह से बच्चों इसको भी टू की पावर टू इंटू टू की पावर टू एच, यहाँ पे टू की पावर टू इंटू टू की पावर थ्री एच प्लस एंड सो ऑन, टू की पावर टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन इंटू एच। बच्चों सबसे टू की पावर टू कॉमन है, सो यहाँ से कॉमन ले लिया, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू टू की पावर टू सबसे कॉमन लिया बच्चों मैंने, सुंदर बचा वन प्लस टू की पावर एच प्लस टू की पावर टू एच प्लस टू की पावर थ्री एच प्लस एंड सोन टू की पावर एन माइनस वन इंटू एच। सो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो टू की पावर टू हो गया फोर, फोर एच बाहर बच्चों, ये जीपी में आ गया, देखिए सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट टू की पावर एच, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करो तो भी हमारे पास टू की पावर एच आएगा, रेशो सबका सेम है बच्चों, तो ए की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू कितनी है, टू की पावर एच आएगी, सबका रेशो टू की पावर एच आएगा बच्चों, करके देख लो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड करो, सबका रेशो टू की पावर एच आएगा। तो ये जीपी में आ गया, जीपी में
क्या फार्मूला बच्चों सम का, a इंटू ए यानी 1 इंटू आर की पावर n, r कितना बच्चों 2 की पावर h, की पावर n करेंगे तो nh हो जाएगा। यानी हम देखिए बच्चों, जब 2 की पावर हम लोग जब हम 2 की पावर यहां पे देखिए बच्चों 2 की पावर h की पावर n करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है बच्चों, 2 की पावर nh हो जाएगा। ये हमेशा मल्टीप्लाई में, जैसे x का स्क्वायर की पावर 3 करें तो x के स्क्वायर की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, तो x की पावर 6 हो जाएगा, तो यानी 2 इनटू 3 हो जाएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से बच्चों 2h की पावर n करें तो 2nh हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r कितना 2 की पावर h माइनस 1। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे, जब हमें यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों मैं, जब लिमिट h अप्रोच टू 0 है, a की पावर h माइनस 1 अपॉन h होता है log a। अगर ये h ऊपर हो, लिमिट h अप्रोच टू 0 और h ऊपर हो और a की पावर h माइनस 1 नीचे हो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log a। अब a क्या होता है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की पावर h है माइनस 1 अपॉन h, ऊपर h है नीचे a की पावर h माइनस 1 है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास log a, यानी 4 अपॉन ये log 2, a कितना बच्चों 2 है तो log 2, और nh की वैल्यू क्या रखो इसमें, nh की जगह हमारे पास आएगा 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये आया 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 की पावर 2 हो गया भाई 4 माइनस 1 बाय log 2, तो 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12 अपॉन log 2 आंसर आया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका, एक्सरसाइज का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। सिक्स्थ पार्ट क्या है बच्चों, 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पे बच्चों a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है और nh की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 0, तो कितना आया nh की वैल्यू 1। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या, किसके इक्वल आए बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू f ऑफ a, f ऑफ 0, f ऑफ a प्लस h, 0 प्लस h, h आएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, जीरो प्लस टू एच टू एच, फिर थ्री एच आएगा बच्चों, और लास्ट में आ जाएगा बच्चों जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यानी एन माइनस वन इंटू एच। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई की लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो रखो एक्स वैल्यू, तो ई की पावर टू माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस एच रखो, ई की पावर टू माइनस थ्री इंटू एच प्लस ई की पावर टू एच रखो, टू माइनस थ्री इंटू टू एच प्लस ई की पावर टू माइनस थ्री इंटू थ्री एच प्लस लास्ट में बच्चों ई की पावर टू माइनस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एच। सो ये आया बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू ई की पावर टू प्लस यहाँ पे e की पावर टू इंटू e की पावर माइनस थ्री एच बोल सकते हो, बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड कर दी, यानी अब इसको दोबारा ऐड करें तो यही बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे e की पावर टू इंटू e की पावर माइनस सिक्स एच, e की पावर टू इंटू e की पावर माइनस नाइन एच प्लस एंड सोन प्लस e की पावर टू इंटू e की पावर माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू एच। तो बच्चों सारे से e की पावर टू कॉमन है, लिमिट h अप्रोच टू जीरो एच इंटू ई की पावर टू सारे से कॉमन, अंदर बचा हमारे पास वन प्लस e की पावर माइनस थ्री एच प्लस e की पावर माइनस सिक्स एच प्लस e की पावर माइनस नाइन एच प्लस एंड सो लास्ट में बचा बच्चों e की पावर माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू एच। अब बच्चों ये भी सारा जीपी में बन गया, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, ई की पावर माइनस थ्री एच, इसके डिवाइड बाय ये करो बच्चों तो ई की पावर माइनस थ्री एच, इसके बटे ये करेंगे तो भी ई की पावर माइनस थ्री एच, तो ये जीपी में है, ए की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू ई की पावर माइनस थ्री एच। सो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, स्टार्टिंग में मैंने आपको सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला बताया बच्चों, फार्मूला क्या है,
ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ इसका। सो एच इंटू ई की पावर टू एच डी, ए वन इंटू आर की पावर एन, आर कितना है ई की पावर माइनस थ्री एच की पावर एन करेंगे तो एन यहाँ आ जाएगा, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर कितना है ई की पावर माइनस थ्री एच माइनस वन। बच्चों अब मैंने आपको बता रखा है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, वन के इक्वल होता है, अगर माइनस थ्री एच है तो नीचे माइनस थ्री एच होना चाहिए, अगर ये ऊपर हो ये नीचे तो भी ये वन होगा। सो ये माइनस थ्री एच है तो ऊपर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो और माइनस थ्री से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास वन के इक्वल हो गया। और एन एच की वैल्यू कितनी बच्चों, वन, तो एन एच की जगह वन रखो। सो ई का स्केयर माइनस ई की पावर माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, सो ई की टू ई की पावर माइनस थ्री माइनस वन बटे माइनस थ्री, तो माइनस यहाँ और तीन नीचे, सो ई की टू को यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइनस ई की टू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आएगा माइनस ई की पावर टू की यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस ई स्केयर ई की पावर माइनस थ्री माइनस ई की पावर टू की यहाँ मल्टीप्लाई करो, ई का स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गया बटे तीन, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों ई की पावर माइनस वन माइनस में और प्लस ई का स्केयर बटे तीन। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों मैं, ई का स्केयर प्लस आके लिख दिया माइनस ये ई की पावर माइनस वन को वन बाई ई अपॉन थ्री, तो थ्री है तो इसको बाहर लिख दिया, तो यही बच्चों इसका आंसर। सो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।